हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस कंप्लीट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीटली एक्सरसाइज 9.1 के बारे में, जो कि क्लास 9th की एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। अगर मैं बात करूँ क्लास 9th की एनसीईआरटी के सोल्यूशन की, तो यहाँ पे हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्राइंगल्स के बारे में। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं, देखिए एक चीज बहुत कॉमन है। पैरेललोग्राम के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगी कि लाइनें पैरेलल होती है। अगर मैं ट्राइंगल के बारे में बात करूं तो बहुत सारे ट्राइंगल्स को अलग अलग कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें कि कुछ ट्राइंगल्स हमारे आइसोसेलिस ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, स्केलन ट्राइंगल होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। बट यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें ये जो डायग्राम्स बने हुए हैं डायग्राम्स में हमें ये देखना है कि किसका कॉमन बेस है और जिसमें दो पैरेलल लाइंस हैं। दो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए और कॉमन बेस, बस यही चीजें हमें देखनी है। कॉमन बेस का मतलब क्या हुआ कि एक ही बेस के ऊपर, ये जब ये बेस बन रहा है तो यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल भी होना चाहिए उसी बेस के ऊपर, और ये जो जिस बेस के ऊपर बन रहा है उसी पे पैरेलल भी होना चाहिए। यानी कुछ ऐसा जैसा कि आपके इमेज नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। अब इनमें से हमें यही चीजें देखनी है कि किस तरीके से उसे हम देख पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉमन बेस क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर मैं बात करूं कॉमन बेस की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो कॉमन बेस है ना, ध्यान से समझिए, ये इसका कॉमन बेस है और ये लाइन भी पैरेलल है। ये जो ए बी है वो लाइन भी पैरेलल है। यहाँ पे कॉमन बेस इसका डीसी मिल चुका है और इसी बेस पे हमारा ट्राइंगल भी बना हुआ है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो कॉमन बेस होगा उसका डीसी होगा और ए बी पैरेलल होगा डीसी के, या डीसी पैरेलल होगा ए बी के। यानी कि ये ऐसा है जिसका बेस सेम है और पैरेलल लाइंस भी सेम है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बताया है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर भी जो बेस है कॉमन वो हमारा QR है। जो हमारा बेस कॉमन दिया जा रहा है वो QR है, कॉमन बेस। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर, देखिए QR जो है वो हमारा कॉमन बेस है। अब ये किस तरीके से चीजें हमें समझ आने वाली है कंप्लीटली, कि ये जो हमारा QR है वो हमारा कॉमन बेस है। अब इस कॉमन बेस के अंदर एक चीज हमें समझनी होगी कि जब इसका कॉमन बेस ये है तो ये पैरेलल लाइन इसकी PC हो जाएगी और ट्राइंगल इसी बेस पे बना हुआ। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसी का क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है वो, और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो डायग्राम्स बने हैं जिसमें कि PQ पैरेलल है AD के, जिसमें PQ पैरेलल है AD के, आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगी। PQ पैरेलल है बिल्कुल AD के, ये वाली पैरेलल लाइंस हैं और इसी में बेस भी दिया हुआ है और ट्राइंगल्स भी दिए हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर हमें दिया हुआ है कॉमन बेस दिया हुआ है इसका AD और पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। यही सारी चीजें तो हमें फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर, कि ऐसा हमें फिगर्स को फाइंड आउट करके अलग करिए और बताइए कि कौन से ऐसी इमेज है जिसका बेस हमें सेम मिल रहा है और कौन सी ऐसी इमेज है जिसमें बेस सेम नहीं मिल रहा। बेस तो उसका सेम होना चाहिए था, उसका बेस सेम होना चाहिए था और क्या होनी चाहिए थी, लाइनें जो थी वो पैरेलल होनी चाहिए थी। तो आपको जो इसके अंदर लाइन पैरेलल्स और बेस के बारे में बात करूं, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर, जो इमेज नंबर फर्स्ट था वो था उसके अंदर, थर्ड वाला इमेज था उसके अंदर हमने देखा, फोर्थ वाला था वो था हमारा, और इसी तरीके से जो हमारा फिफ्थ वाला था वो भी था। यानी चार इमेज ऐसी थी जिसके अंदर क्या थी, लाइन भी पैरेलल्स थी और बाकी चीजें भी थी। तो उम्मीद है मेरे फ्रेंड्स की जो 9.1 हमने डिस्कस किया है ये कंप्लीटली आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली NCERT के सॉल्यूशंस को देख सके और समझ सके। अगर आपके पास कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।